हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वाली वीडियो के साथ में हमारे चैनल सौभाग्य जिंदल पे, जिसमें हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं V20 SE की। ये एक ऐसा फ़ोन है जो V20 की सीरीज़ को एक्सटेंड करता है, उसका सक्सेसर बनता है। और ये फ़ोन अभी इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ है, कल लॉन्च होगा 3 नवंबर को, ये ऑलमोस्ट 12 PM के अराउंड। और ये फ़ोन बहुत ही एक अच्छा फ़ोन निकल कर आने वाला है हमारे सामने में। हमारे चैनल पर ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने से पहले यहाँ पर शो कर रहे हैं हम, तो इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, इस शानदार से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हमने V20 की भी अनबॉक्सिंग की हुई है हमारे चैनल पे, अगर आपने चेक नहीं किया तो यहाँ पर आई बटन में जाके उसको चेक कर लें, और साथ में इस वाली वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको इस फ़ोन की पूरी स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और की डिफरेंसेस समझ आ पाएँ। इसी शानदार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ नीचे आकर रेड वाले बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को बड़ा सा थम्सअप देके लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने आता है V20 का एक शानदार सा बॉक्स। V20 के जैसे इसके बॉक्स की डिज़ाइनिंग की गई है, और इस बॉक्स के ऊपर अगर देख लें तो कुछ नहीं दिया गया है। राइट लेफ्ट साइड पर दोनों तरफ पर V20 SE की ब्रांडिंग की गई है। पीछे भी अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो कुछ कुछ चीज़ें स्पेशली मेंशन की गई हैं, जैसे कि V20 SE 32 MP सुपर नाइट सेल्फी कैमरा, 33 W फ्लैश चार्ज, 48 MP का रियर कैमरा इसमें दिया गया है, और साथ में मेड इन इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है वीवो की तरफ से। अगर इसका कलर देख लें हम, तो यहाँ पर ग्रेविटी ब्लैक के साथ 8GB 128GB शो कर रहा है, और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं अपने को बॉक्स में। और कुछ अगर आप देखना चाहें तो इसी बॉक्स पर यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइस यहाँ पर मैंशनड है 24,990 रुपीज़। 20,990 रुपीज़ में एक्चुअली इसकी प्राइसिंग इंडिया में रखी गई है। तो इसे हम जल्दी से अनबॉक्स कर देख लेते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर हमको और क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसकी सील को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। यहाँ पर जो फ़ोन की सील होती है, इस सील को भी हम यहाँ पर खोल लेंगे फ्रेंड्स। ये निकल चुका है हमारा बॉक्स। सबसे पहले देखने को मिलता है हमें यहाँ पर एक सेक्शन, तो इस सेक्शन में हमको क्या क्या देखने को मिल जाता है। इस सेक्शन के अंदर सबसे पहले निकल कर आता है हमारा सिम ट्रे इजेक्टर, और यहाँ पर दिए गए हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशंस। साथ में दिया गया एक प्राइमरी सा केस, जो कि एक प्रोटेक्टिव केस होगा हमारे फ़ोन के लिए। तो इसकी बिल्ट इन क्वालिटी उतनी मस्त नहीं है, लेकिन एक प्रोटेक्टिव केस के हिसाब से बहुत ही अच्छी क्वालिटी दी गई है इसमें। साथ में अगर हम बात कर लेते, तो सामने निकल कर आ जाता है हमारा स्मार्टफोन। ये बहुत ही एक स्लीक सा और प्रीमियम सा हमको फील दे रहा है हैंड में। इसकी बात करेंगे, एक बार से साइड रखते हैं, नीचे और देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है हमें। यहाँ पर कुछ बार कोड सैंपल्स और ये एक नॉर्मल सा केस सेक्शन दिया गया है। अब अगर फ़ोन के बॉक्स के अंदर हम चेक कर लें, तो सबसे पहले निकल कर आता है हमारा 33 W का फ्लैश चार्जर। तो इसे हम जूम इन करके देख लेते हैं। फ्लैश चार्ज 2.0 इसमें लिखा हुआ है, मॉडल नंबर डाला हुआ है, इनपुट आउटपुट सब डाला हुआ है, मेड इन इंडिया इसमें भी लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं है, USB Type-A पोर्ट दिया हुआ है। ये केबल इसमें आता है फ्रेंड्स, USB A to USB Type-C केबल, 3.5 mm जैक के साथ इसमें ईयरफोन आते हैं, 3.5 mm पोर्ट के साथ इसमें ईयरफोन्स आ जाते हैं। वीवो के ब्रांडेड ईयरफोन्स इसमें दिए गए हैं, तो इसे भी हम रखते हैं एक बार के लिए साइड पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने फ़ोन के प्रोटेक्शन को रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं हमारा फ़ोन कितना प्यारा लगता है। ये निकल कर आ जाता है हमारे सामने बहुत ही प्यारे से कलर में, जो कि है ग्रेविटी ब्लैक कलर। बहुत प्यारा सा एक प्रीमियम डिज़ाइन का फ़ोन ये निकल कर आता है हमारे सामने। आप देख सकते हैं तरह तरह के रिफ्लेक्शंस इसमें बन रहे हैं। ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, सब बताएंगे दोस्तों आगे। पहले बात कर लेते हैं, इसमें यूनिक और बहुत एक अलग टाइप की फिनिश दी हुई है, जो कि फील बहुत अच्छा देती है, प्रीमियम सा फील दे देती है अपने हमको, जो कि ग्रेविटी ब्लैक कलर के साथ आता है। यहाँ पर स्क्रीन भी इसकी बहुत अच्छी दी गई है, एंड टू एंड सब बहुत प्यारा लग रहा है। जब तक फ़ोन बूट हो रहा है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स एंड बटन्स की। सबसे पहले राइट साइड में हमको देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक पावर अनलॉक अनलॉक बटन, फिर साथ में देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक वॉल्यूम रॉकर। ऊपर देखे तो यहाँ एक सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया हुआ है, और उसके बगल में दिया है हमें सिम ट्रे, जिसको हम इजेक्ट करके देख लेते हैं कि सिम ट्रे कैसा दिया हुआ है इसमें। ओ, बहुत अच्छा एक सिम ट्रे दिया हुआ है, जिसमें कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट दिया हुआ है, डुअल सिम ले सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड एक्सटेंडेबल स्लॉट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसे हम लगा देते हैं वापस यहाँ पर। उसके बाद हम देख लेते हैं लेफ्ट साइड में हमको कुछ नहीं देखने को मिलता है, एक बहुत ही क्लीन सा लेफ्ट साइड हमको दिया हुआ है।
और अगर नीचे की बात कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखने को मिल जाता है शानदार सा एक हेडफोन जैक, उसके बगल में मिलता है प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल्स। तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा सा एक हमको लुक दे देता है जो कि शायद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, जो कि आप नीचे देख सकते हैं उतना भी स्ट्रेट डिज़ाइन नहीं है ना, ना कि आईफोन है। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब इसी फ़ोन को आगे पीछे की तरफ एक बार बात कर लें अगर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक बहुत ही प्यारा सा ग्लॉसी फिनिश जो कि प्लास्टिक दिखता है, बट ये प्लास्टिक ही है एक्चुअली फ्रेंड्स, ये प्लास्टिक फिनिश दिया हुआ है इसके साथ, लेकिन ये एकदम ग्लास जैसा फील देता है हमको, जैसे शाइन्स आए हुए हैं इसमें। ऊपर में देखने को मिल जाता है हमें ट्रिपल कैम सेटअप जिसमें प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल्स का, सेकेंडरी कैमरा दिया हुआ है 8 मेगापिक्सल का जो कि एक अल्ट्रा वाइड लेंस है, और थर्ड कैमरा दिया हुआ है हमको मैक्रो लेंस जो कि 2 मेगापिक्सल का है, और उसके साथ दी गई यहाँ पर एलईडी फ्लैश लाइट। नीचे की तरफ अगर बात कर लें तो यहाँ पर वीवो की एक शानदार सी ब्रांडिंग दी गई जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा पीछे और कुछ नहीं है। अब स्क्रीन की बात कर लें तो स्क्रीन में सबसे पहले हमको देखने को मिल जाती है 6.44 इंचेस की FHD+ एमोलेड डिस्प्ले, साथ में देखने की स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी ही अच्छी लग रही है यहाँ पर, जैसे कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं देख रहे हैं तो स्क्रीन क्वालिटी हमको बहुत प्यारी लग रही है। इसके अलावा बात कर लें तो स्क्रीन के नीचे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है जो कि अभी हम आपको टेस्ट करके दिखा देंगे, और इसके अलावा ऊपर हमको कटआउट मिलता है कैमरे का जो कि है एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो कि बहुत अच्छी बात है। ऊपर में हमको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर स्पीकर ग्रिल्स जो कि हमारे इन ईयर स्पीकर ग्रिल्स होते हैं यहाँ पर, इसकी जो स्क्रीन है बहुत ही अच्छा हमको फील दे देती है। इसके अलावा हमने बात करी थी अभी एंड्रॉयड कौन सा इसमें एंड्रॉयड वर्जन दिया हुआ है, तो अभी हम इसमें जल्दी चेक कर लेते हैं इसकी सेटिंग्स पे जाके कि एंड्रॉयड वर्जन इस फ़ोन में कौन सा मिलता है हमको। एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर हमको 10 देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एंड्रॉयड 10 इसमें लिखा हुआ है, लेकिन वीवो ने प्रॉमिस किया है कि जल्दी इसमें एक अपडेट आएगा और इसमें एंड्रॉयड 11 भी सपोर्ट हो जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 665G का प्रोसेसर इसमें डाला हुआ है, 8 GB रैम 128 GB की स्टोरेज के साथ ये आता है, और बैटरी इसमें दी गई है 4100 mAh की, बहुत ही अच्छी एक बैटरी जो कि 33 वॉट्स के फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कैमरा हाईलाइट है इस फ़ोन का जो कि बहुत सारे ऑप्शन इस कैमरे में दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो कैमरा इसका जो बहुत ही प्यारा सा एक कैमरा दिया हुआ है इस फ़ोन में, तो हाँ यहाँ पर इस कैमरे में बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे होंगे, बहुत 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 सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सबको ट्राई नहीं कर पाएंगे लेकिन मैक्सिमम ऑप्शंस को हम ट्राई करके आपके स्क्रीन पर यहाँ फोटोज़ दिखा रहे हैं जो कि इसके फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा से हमने ली है। इसी V20 SE के फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा से हमने जो फोटोज़ क्लिक किए हैं वो आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रहे हैं। ये सारे फोटोज़ बहुत ही प्यारे आए हैं मेरे हिसाब से, और एक फर्स्ट लुक अगर इन फोटो को देखें तो ये सारी पिक्चर्स बहुत ही अच्छे से एक्सपोजर भी सपोर्ट की हैं सब। और फ्रेंड्स अगर हम बात कर लें अब इसके बायोमेट्रिक्स की, तो यहाँ पर जैसे ही हम फ़ोन को होल्ड करते हैं तो ये अपने आप बायोमेट्रिक्स ओपन हो जाते हैं, और मैंने यार थंब अपना डाला हुआ है, जैसे ही हम टच करते हैं तो फ़ोन डायरेक्टली ओपन हो जाता है जो कि एक बहुत ही प्यारी बात है इस फ़ोन की। और फेस अनलॉक भी अगर ट्राई कर लें फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपना फेस दिखाया अनलॉक हो गया, फिर से आपको शो कर देते हैं यहाँ पर जैसे ही मेरा फेस हुआ ऊपर अनलॉक का साइन आ गया और स्वाइप करके अब हम ओपन कर सकते हैं। अगर हम फेस ना दिखाएं इसको तो ओपन नहीं होगा फ्रेंड्स, तो ये लॉक है और हम फिंगरप्रिंट लगाएंगे। तो बहुत ही फास्ट इसमें सारे बायोमेट्रिक्स दिए गए हैं। आगे अगर हम बात करें तो कंटेंट कंजम्पशन भी बहुत अच्छा है इस फ़ोन का, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके कंटेंट कंजम्पशन को, तो बहुत ही प्यारा है इसमें एमोलेड डिस्प्ले के साथ आप अपने कंटेंट्स को एंजॉय कर पाएंगे। साथ में अगर हम बात कर लें इसके साउंड क्वालिटी की तो ऑडियो क्वालिटी भी आपको सुना देते हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने पेश हुआ। तो फ्रेंड्स यही थी इस वीवो V20 SE की फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू मेरी तरफ से। बहुत ही अच्छा फ़ोन है अगर आप लेना चाहें, लेकिन गेमिंग प्रोसेस के लिए इस रेंज में आपको और कोई अच्छे फ़ोन दिख सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल हम यूज़र्स की बात करें तो अच्छे फीचर्स इस फ़ोन में इस रेंज में दिए गए हैं, तो आप इस फ़ोन के साथ आँख बंद करके जा सकते हैं। और कोई अगर आपको डाउट्स है इस फ़ोन के बारे में या इस फ़ोन से रिलेटेड तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल दें, हम विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स का रिप्लाई करेंगे। और बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे पेज को फॉलो कर सकते हैं,
जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मेरे पेज पे भी मिल जाएगी जो कि यूट्यूब का प्रोफाइल पेज होता है। और आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने सुझाव अपने कमेंट्स सब डाल सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। और फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, थैंक यू।